तो हाय गाइस, व्हाट्स गोइंग ऑन एंड आई एम बैक विथ माय न्यू वीडियो। सो यार, रिसेंटली ना BGMI एंड पबजी मोबाइल में न्यू 2.0 अपडेट आ गया। तो मैं आपको इसी अपडेट के लिए एक बेस्ट एंड जीरो रिकॉइल ना सेंसिटिविटी शेयर करने वाला हूँ, जिसको अगर आप यूज करते हो तो आपको जो लॉन्ग रेंज, मिड रेंज एंड क्लोज रेंज है ना, नेक्स्ट लेवल तक इम्प्रूव होगा, जिससे कि आपका ओवरऑल गेम प्ले होगा वो भी काफी इम्प्रूव हो जाएगा। सो यार, इस वीडियो में ना मैं जो सेंसिटिविटी शेयर करने वाला हूँ, दोनों जायरोस्कोप प्लेयर एंड नॉन जायरोस्कोप प्लेयर दोनों के लिए ना सेपरेटली शेयर करूंगा। सो अगर आप जायरोस्कोप प्लेयर हो तब भी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा, और अगर आप नॉन जायरोस्कोप प्लेयर हो तब भी ये वीडियो आपके लिए उतना यूजफुल होगा। सो वीडियो को एंड तक देखना। सो इस वीडियो में ना मैं जो सेंसिटिविटी शेयर करने वाला हूँ, चाहे वो जायरोस्कोप प्लेयर्स के लिए हो या फिर नॉन जायरोस्कोप प्लेयर्स के लिए हो, सबसे पहले मैं आपको वो सेंसिटिविटी ना खुद यूज करके दिखा दूंगा, जिससे कि आपको एक काइंड ऑफ ट्रस्ट हो जाए कि अगर आप वो सेंसिटिविटी यूज करते हो तो आपका जो स्प्रे ना किस नेक्स्ट लेवल तक इम्प्रूव हो सकता है। सो ये वीडियो ना काफी वर्थ इट होगा आपके लिए, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले जितने भी जायरोस्कोप प्लेयर्स हैं उनके लिए मैं सेंसिटिविटी शेयर कर देता हूँ। सो अगर आप नॉन जायरोस्कोप प्लेयर हो तो आपको जो टाइम स्टैम्प दिख रहा है स्क्रीन पे या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन भी ने मेंशन कर दिया, उस वाले टाइम स्टैम्प पे जाके ना डायरेक्टली नॉन जायरोस्कोप की सेंसिटिविटी उसको चेकआउट कर सकते हो, जिससे कि आपका भी टाइम सेव हो। सो या जितने भी जायरोस्कोप प्लेयर है, मैं आपके लिए ना सेंसिटिविटी शेयर करूं, उससे पहले मैं आपको जो सेंसिटिविटी ना खुद यूज करके दिखा देता हूं। तो आपने स्प्रेस तो देख लिया, मैं आपके साथ ना सेंसिटिविटी शेयर कर देता हूँ। सो ये रही कैमरा सेंसिटिविटी एंड ये रही ADS सेंसिटिविटी एंड ये रही फ्री लुक कैमरा सेंसिटिविटी। सो आपने बेसिक सेंसिटिविटी तो देख लिया, मैं आपके साथ ना जायरोस्कोप सेंसिटिविटी शेयर कर देता हूँ। सो ये रहा जायरोस्कोप सेंसिटिविटी एंड ये रहा ADS जायरोस्कोप सेंसिटिविटी। सो मैं आपके साथ ना एडवांस सेंसिटिविटी शेयर कर देता हूँ। सो आपके जितनी भी गन्स दिख रहे हैं सबके लिए जो सेंसिटिविटी ना सेम रहेगी। सो ये रही स्नाइपर सेंसिटिविटी एंड ये रही DMR सेंसिटिविटी एंड अब मैं आपके साथ ना DP की सेंसिटिविटी शेयर कर देता हूँ। सो ये रही DP सेंसिटिविटी सब मैं आपके साथ ना सेंसिटिविटी कोड शेयर कर देता हूँ। सो ये रहा सेंसिटिविटी कोड, इसको मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में भी शेयर कर दिया था, उधर से भी ना चेकआउट कर सकते हो। सो जितने भी नॉन जायरोस्कोप प्लेयर्स हैं ना, मैं उनके लिए सेंसिटिविटी शेयर कर देता हूँ। सो मैं सबसे पहले सेंसिटिविटी शेयर कर, उससे पहले जो सेंसिटिविटी मैं खुद आपको यूज करके दिखा देता हूँ। सो मैंने जो मेरा जायरोस्कोप है मैंने उसको ऑफ कर दिया, इस टाइम जो मैं स्प्रेस दे रहा हूँ अपने थंब का यूज कर रहा हूँ रिपल कंट्रोलिंग के लिए। आप देख सकते हो जो रिपल कंट्रोलिंग है ना काफी इजीली हो जा रही है, बट ये जो स्प्रेस है उतने स्टेबल नहीं है, बिकॉज मैं एक जायरोस्कोप प्लेयर हूँ। सडनली मैं अपना जायरोस्कोप ऑफ करके थंब का यूज करूंगा स्प्रेस के लिए, तो काफी नॉर्मल है कि जो मेरे स्प्रेस हैं उतने स्टेबल नहीं जाएंगे। बट जितने भी नॉन जायरोस्कोप प्लेयर थे जो पहले से थंब का यूज करते स्प्रेस एंड रिकॉइल कंट्रोलिंग के लिए, तो आपके लिए जो सेंसिटिविटी काफी बेस्ट वर्क करेगी। सो आपने स्प्रेस तो देख लिया, मैं आपके साथ नॉन जायरोस्कोप की ना सेंसिटिविटी शेयर कर देता हूँ। सो ये रही कैमरा सेंसिटिविटी एंड ये रही ADS सेंसिटिविटी एंड ये रही फ्री लुक कैमरा सेंसिटिविटी। सो दैट्स ऑल फॉर द वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट कर देना, एंड अगर आपको वीडियो में ना कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं पूरा ट्राई करूंगा आपको जो डाउट है ना उसको सॉल्व करने का। सो टेक केयर एंड बाय।